दोस्तों, मेरा नाम धर्मिंदर शाह है और मैं LIC में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता हूं। और रिसेंटली LIC ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर को कुछ प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक प्लान है जीवन लाभ, जिसको हम पहले 936 के नाम से जानते थे, अब वो 736 हो गया है। आज हम इस प्लान के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं वही आपसे बात करेंगे। पहले टेबल नंबर 936 था, अब वो 736 हो गया है, और इसमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं वो बहुत ही ब्रीफली आपको समझाता हूँ। ज़्यादा कोई खास इस प्लान में चेंज नहीं हुआ, पर थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो इनक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो जीवन लाभ लाभ जो प्लान है, इसमें जो एंट्री एज जो है, जो मिनिमम एंट्री एज जो है, एंट्री एज वो है 8 ईयर। अगर 8 साल का आपका बच्चा कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए ये प्लान एप्लीकेबल है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज में इसमें जो 3 टर्म है, 16 साल, 21 साल और 25 साल, इसमें क्या है, 59 जो एज है वो मैक्सिमम एज रहेगा, एंट्री एज रहेगा, उसके लिए 16 साल का टर्म ही मिल सकता है, क्लियर है। अगर कोई 21 साल का टर्म लेना चाहता है, उसका जो मैक्सिमम एंट्री एज होगा 54 साल, 54 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 25 साल का टर्म लेना चाहता है तो 25 साल के टर्म में उसका एज 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एंट्री एज इसका जो रखा गया है 8 साल और मैक्सिमम जो रखा गया 59 ईयर्स, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने बताया है ये पहले भी था और ये सेम ही है, जो पुराना जो प्लान है, ठीक है, सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो मैं बता दूंगा। इसमें अगर कोई 16 साल का टर्म लेना चाहता है उसका मैक्सिमम एंट्री एज रहेगा 59, ठीक है। वो 21 साल का टर्म लेना चाहता है उसका मैक्सिमम एज जो रहेगा 54, और 25 साल का टर्म लेना चाहता है उसका जो मैक्सिमम एज रहेगा वो 50 साल रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। अब आते हैं पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म इसमें जो पॉलिसी टर्म जो दिया गया है पुराना वाला ही पॉलिसी टर्म रहेगा। 16 साल का जो टर्म सेलेक्ट करते हैं उसमें 10 साल का ही PPT रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है। अगर 21 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं उसमें 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। अगर 25 साल का अगर आप टर्म सेलेक्ट करते हैं उसमें आपने केवल 16 साल ही प्रीमियम पे करना है, ठीक है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कितने का सम शोर्ट है, ये भी सेम है जैसे पहले था वैसे ही सेम है। सम शोर्ट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 2 लाख रुपीज का रहेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम की शोर्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं रखा गया है, अपने बजट के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें चेंजिंग जो हुआ है वो क्या हुआ है। इसमें चेंज हुआ है एक लोन और एक सरेंडर। पहले क्या था कि आप 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर आप लोन के लिए एप्लीकेबल होते थे, और सरेंडर भी आप 2 साल के बाद, आप सरेंडर भी 2 साल के बाद ही करवाते थे, ठीक है। अब जो नया प्लान हुआ है उसमें आप 1 साल के बाद आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, और 1 साल के बाद इन केस आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद आप पैसा निकलवा सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा डिडक्शन होके आपको मिलेगा। मतलब पहले 2 साल था, अब 1 साल कर दिया गया है लोन के लिए और पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, मेन चीज़ ये था, ठीक है। अब एक चीज़ और बदलाव किया गया है जो कि मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा चेंजिंग गलत हुआ है। अब जो NACH की बात करें, NACH NACH, अगर किसी को मंथली मोड में पॉलिसी लेना है
तो यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले 2 मंथ का था, अब 3 मंथ का हो गया। कई बार कस्टमर क्या होता है, उसके पास फंड नहीं होता है, ठीक है, अब वो 2 महीने का इंस्टॉलमेंट तो दे सकता है, ठीक है, अब वो 3 मंथ का इंस्टॉलमेंट देने के लिए थोड़ा सा झिझकता है। तो मंथली मोड का, जब हम मंथली मोड करा रहे थे, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट क्यों पे करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। 2 मंथ अच्छा था, 2 मंथ का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लेना चाहिए था। चलिए, अब जो कुछ सोच समझ के ही कुछ चेंज किया होगा। अब इसमें क्या है, इनकेस आप एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इनकेस अगर 3 इंस्टॉलमेंट आपके बैंक से डिडक्ट नहीं होता है तो उसको क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी बेनिफिट की बात करें तो आपको बेनिफिट सेम मिलने वाला है, जो सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस जो भी रिवर्सिंग बोनस था वो तीनों इंक्लूड करके यहाँ पे दिया जाएगा। इसका भी अपडेट नहीं है क्या आपको मिलने वाला है, मे बी पिछले जैसा ही इसका रिटर्न रहेगा। तो दोस्तों ये मेजर चेंजिंग है, मेजर चेंज जो सरेंडर वैल्यू का था, लोन का था, ये मेन फैक्टर है। बाकी प्लान काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स वही रहेंगे 25 साल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, 16 साल का टर्म रहता है, 10 साल प्रीपेइंग टर्म रहेगा। अगर कोई मैरिज के लिए प्लान लेना चाहता है, बेटी 2-3 साल के लिए, तो आप 21 साल का टर्म ले सकते हैं, 15 साल जिसमें प्रीपेइंग टर्म रहता है। अगर कोई आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 25 साल का टर्म ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 16 साल ही प्रीमियम पे करना है। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए प्लान का जो चेंजिंग हुआ है, केवल लोन और सरेंडर का है, एक नैच थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सम शोर्ड वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ पे कोई इफेक्टेड नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए सेम प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, टेबल नंबर 936 बोल रहा था, यहाँ पे 736 अब याद कर लीजिएगा, या जीवन लाभ नाम चेंज है, केवल प्लान यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज किया गया। तो दोस्तों किसी भी तरह का आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको कैसा लगा प्लान, आप हमें कमेंट करें, कोई सुझाव हो, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।